तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हॉस्टल लाइफ आई I मीन mean कहाँ कहाँ हॉस्टल अवेलेबल है सबसे ज्यादा वो जरूरी है ठीक है ना डेली यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेजेस कवर करेंगे फिर यू नो हॉस्टल का क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है क्या कॉस्टिंग आती है क्या आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है हॉस्टल के लिए एंड फाइनली यू नो हॉस्टल लाइफ कैसी होती है इज इट वर्थ इट क्या आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या किसी और अकोमोडेशन में रहना चाहिए कैसे भी रहता है ठीक है तो ये सब चीजों पे बात करने वाले हैं और बिल्कुल यू नो साइड की बातें नहीं करनी एकदम टॉपिक पे बात करेंगे जल्दी से और ये जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि यू नो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड एट द सेम टाइम अभी ये जो वीडियो देख रहा है आई होप वही बच्चे देख रहे हैं जिनका ड्यू में एडमिशन हुआ है तो यू नो आई ट्रस्ट मी गाइस बहुत बड़ा लोड है अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो पहले एग्जाम पढ़ो फिर राउंड वन फिर राउंड टू अलग अलग, अलग पोर्टल और फाइनली आखिरी टेंशन जो है वो एकोमोडेशन की है तो इसको भी हम थोड़ा सा आसान करते हैं आप लग, लोगों के लिए कि भाई कैसे है क्या है ताकि फिर आपकी लाइफ अच्छे से रहे सबसे पहले हम बात करें हॉस्टल की तो ये बात श्योर है कि अगर आप डेली एन से आते हैं या बहुत सारे कॉलेजेस में राजस्थान से भी अगर आप आते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा जी हाँ बहुत मुश्किल है अगर आप दिल्ली एनसीआर या राजस्थान जैसे स्टेट से आते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू डी ये सारे जो स्टेट्स हैं एनसीआर और राजस्थान वो बहुत ज्यादा पास है हरियाणा भी तो यू you नो know, आपको अपने घर से आना चाहिए डीयू के हिसाब से तो आपको एकदम लास्ट में रखते हैं लोग प्रायोरिटी में हॉस्टल देने की बात आती है इट्स वेरी डिफिकल्ट एनसीआर तो भूल ही जाओ और राजस्थान वाले और हरियाणा वाले भी भूल ही जाओ ठीक है जी अब अगर हम बात करें हॉस्टल की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डी के अंदर अंडर ग्रेजुएट के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस में हॉस्टल अवेलेबल है बॉयज और गर्ल्स दोनों का मैं बता देता हूँ ठीक है नॉर्थ कैंपस की अगर हम बात करें तो डीआरसी में हॉस्टल अवेलेबल है हंसराज में अवेलेबल है अब देखो डीआरसी गर्ल्स कॉलेज है तो बाय डिफॉल्ट लड़कियों के लिए अवेलेबल है मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगा ठीक है हंसराज में दोनों के लिए अवेलेबल है हिंदू का लफड़ा चल रहा है लफड़ा इन द सेंस की थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है नया बना रहे लोग तो अवेलेबल नहीं है एज ऑफ नाउ जितना मुझे पता है मुश्किल होगा अगर अवेलेबल होगा तो वेबसाइट चेक करते रहना आई पी में अवेलेबल है केएमसी में अवेलेबल है मरांडा में अवेलेबल है, है रामजस में अवेलेबल है रामजस में पर पता है लड़कों के सेक्शन में प्रॉब्लम है तो कम रूम्स अवेलेबल है आई I मीन mean, एक पार्ट इन्होंने बंद करके रखा है जहां तक मुझे पता है तो फिर भी अवेलेबल है बट कम है फिर एसआरसी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है खालसा में अवेलेबल है ठीक है बोथ एंड देन वेन कम टू साउथ कैंपस तो साउथ कैंपस में सिर्फ दो कॉलेज है जिसमें से एल एस आर अगर मैं बताऊं तो पार्शियली ओपन है आई मीन ओपन है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है तो देख लेना मेरे हिसाब से जब तक मुझे पता था ओपन नहीं है इस साल अगर ओपन हो जाए तो अलग बात है वरना पार्शियली है ये भी और सेकेंडली वेंकटेश्वर कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है ठीक है ऑफ कैंपस में अगर हम चलते हैं तो भारती कॉलेज में अवेलेबल है ओनली फॉर गर्ल्स डीडीयूसी दीनदयाल में बॉयज एंड गर्ल्स जेडीएमसी गर्ल्स कॉलेज है गर्ल्स के लिए अवेलेबल है एल आई सी लेडी रिवेन गर्ल्स कॉलेज महाराजा अग्रसेन कोएड कॉलेज है बट सिर्फ गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है केशव महाविद्यालय में जहां तक आई रिमेंबर दोनों के लिए अवेलेबल है बाकी कंफर्म कर लेना राजगुरु ओनली फॉर गर्ल्स तो सिर्फ लड़कियों के लिए अवेलेबल है जी आ, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओनली गर्ल्स के लिए अवेलेबल है एज ऑफ नाउ लड़कों के लिए नहीं है uh, और सुखदेव में कोविड uh, है बट आई एम नॉट श्योर बट लड़का लड़की दोनों के लिए शायद तक अवेलेबल है वरना गर्ल्स के लिए तो है ही ठीक है सो so ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको देखने हैं अपने कॉलेजेस अगर इन कॉलेजेस में आप आते हैं तो अवेलेबिलिटी चेक करनी है अब इस अवेलेबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है और क्रैक क्या क्राइटेरिया रहता है तो सबसे पहले अपना स्कोर अच्छा होना चाहिए ठीक है, ठीक है? फिर इसमें कैटेगरी uh, की देखी जाती है तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी चेक करी जाती है फिर आपका जो डिस्टेंस uh, है वो देखा जाता है फाइनली कि भाई आप बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं भाई साउथ वगैरह से आ रहे हैं तो ज्यादा प्रायरिटी दी जाती है तो ये तीन मेजर क्राइटेरिया है जिसपे आपको अभी हॉस्टल अलॉटमेंट होता है फर्स्ट ईयर में बट यू नो हॉस्टल इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं ना तब वापस से री एडमिशन होता है तो उस टाइम आपका सी जी पी ए देखा जाता है जो आपने कॉलेज में स्कोर किया ना उसके हिसाब से आपको रीअलॉटमेंट होता है तो अगर आप सोचो फर्स्ट ईयर में आपको मिल गया सेकेंड ईयर में आपने स्कोर अच्छा नहीं किया और कुछ भी है ना ऊपर नीचे हो गया तो यू कैन लूज हॉस्टल और फिर क्या होता है बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़ों को हैंडल करना क्योंकि तो हॉस्टल की लाइफ अलग होती है हॉस्टल के दोस्त अलग होते हैं आप मैक्सिमम उनके साथ रहते हो एक अलग बॉन्ड बन जाता है और फिर यू नो पीजी के स्ट्रगल करो जो किसी ने फर्स्ट ईयर में किया अब आप सेकंड ईयर में करो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो यू नो बट हॉस्टल लाइफ इज अगेन यू नो एट इट्स इट जो लास्ट में हम बात करेंगे ठीक है और और क्या चीज है जो हमें हॉस्टल के बारे में जाननी चाहिए तो यू नो एवरेज जो फीस है ना हॉस्टल की वो आप मान के चलिए मिनिमम एक लाख तो रहनी ही है मिनिमम मेस का खाना भी होता है तो वो अलग ही होता है बट वो भी मतलब है ना तीस चालीस हजार रुपये प्रति साल मिनिमम है जो लगता है तो आप मान के चलिए कि अगर आप हॉस्टल आ रहे हैं या पीजी या फ्लैट कहीं भी जाओ वन से वन पॉइंट फाइव लैख इज द अमाउंट ऑफ मनी एक साल में आपको रेजिडेंस एकोमोडेशन पे एक्सपेंडिचर होगा ना हॉस्टल सस्ता है ना पीजी सस्ता है ना फ्लैट सस्ता है सबकी रेट जो है ना कहीं ना कहीं सेम ही रहती है और क्या क्या रूल्स है रेगुलेशन है जिसके हिसाब से आपको हॉस्टल मिलता है तो सबसे पहले तो क्या है गूगल फॉर्म निकलते हैं अब जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एस और एक दो और कॉलेजेस हैं जिनके ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं वो मैं कैप्शन में डाल देता हूँ ठीक है तो आप उसमें अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं अगर आप उन कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं और यू you नो know, सारे कॉलेजेस का जो भी फर्स्ट प्रोसीजर होता है ना वो ऑनलाइन ही होता है तो आपको ऑनलाइन ही गूगल फॉर्म फिल करना होता है जो ये रिक्वायरमेंट्स होती है इनकी आपको फिल आउट करनी पड़ती है देन यही कॉलेजेस आपको रीच आउट करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है इनकी भी लिस्ट निकलती है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जैसे भी रहता है हर कॉलेज का अपना है तो वैसे आपको लिस्ट के हिसाब से कॉलेज अलॉटमेंट होता है और फिर आपको ऑफलाइन जाना होता है कुछ कॉलेजेस का लास्ट डेट जो है ना इक्कीस बाईस अगस्त ही है कुछ का बाद में है तो यू you नो know, धीरे धीरे सब कॉलेजेस अपना लिस्ट निकालते हैं तो आपको जिस कॉलेज जाना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना आपको हमेशा चेक करते रहनी है वही बेस्ट सोर्स है आपके यू नो रजिस्ट्रेशन का जहां से आपको गूगल फॉर्म वगैरह मिल सकता है अब अगर हम बात करें कि आप है ना नॉर्थ कैंपस के अंदर है और आपको हॉस्टल चाहिए और आपको डी का ही हॉस्टल चाहिए तो और क्या क्या ऑप्शन है तो मैं कुछ रीड आउट कर देता हूँ ये सारे हॉस्टल हैं और इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डी की वेबसाइट का जहाँ से आप सारे हॉस्टल्स चेकआउट कर सकते हैं राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स अम्बेडकर गांगुली स्टूडेंट हाउस फॉर वुमेन डी एस कोठारी हॉस्टल गाइजर हॉल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हॉस्टल होते हैं जुबली हॉल मानसरोवर हॉस्टल तो ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो डी में अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट के लिए तीन चार ही है ज्यादा नहीं है पर और उसके अलावा जितने भी आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगे ना वो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के होंगे रिसर्चर्स के होंगे या किसी और के लिए होंगे तो नॉर्थ कैंपस में पर तीन पांच के बीच में है ना आपको मिल जाएगा अंडर के लिए हॉस्टल तो आप नॉर्थ कैंपस में है तो ये आपका मुखर्जी नगर एरिया या फिर जी के आसपास जाए वहाँ पे ये सारे आपको हॉस्टल्स मिलेंगे डी के तरफ से तो इनकी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि भाई अच्छा ये इनका एडमिशन ओपन है या क्लोज है जैसे भी है आपको और कहीं पे इसके बारे में नहीं पता चलेगा और सीधा यही आपसे अपना कॉलेज कोर वगैरह मांगता है नॉर्मल गूगल फॉर्म है और वो आपको इनकी वेबसाइट पे चेक करना है कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं आएगा तो आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में डेली यूनिवर्सिटी का लिंक दूंगा वहां से इन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है रेट सेम रहती है एक से डेढ़ लाख रुपए विच इज ओके आई मीन हर जगह पे यही सेम रेट चलती है तो वो कोई डिफरेंस नहीं है कि ये कॉलेज से महंगा या कॉलेज से सस्ता इट्स जस्ट द सेम एंड अगर हम बात करें अगर आप साउथ कैंपस से बिलोंग करते हैं तो सैडली एज ऑफ नाउ डेली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए कोई हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको अगर साउथ कैंपस में रहना है तो वो तो प्राइवेट पीजीज में ही रहना पड़ेगा पीजी के लिए अगर मैं फेमस लोकेशंस बताऊं तो वो सत्य निकेतन और आनंद निकेतन रहेगी आनंद निकेतन ज्यादा प्राइसी है और सत्य निकेतन चीप है अगर मैं यू नो मंथली एक्सपेंडिचर बताऊं तो छह से लेकर अट्ठारह बीस हजार तक आपको इतनी बड़ी रेंज में यू you नो know, अलग अलग पीजी मिल जाते हैं और अठारह बीस हजार में आपको चार टाइम खाना ए सी रूम सुंदर सुंदर बालकनी एरिया रेजिडेंस अच्छा ये ये है ना ये सब मिलता है छः हजार में बेसिक रूम बेसिक खाना काम चलाओ सब चीजें तो पूरी वेराइटी है आपके पास जो भी है ना सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन लिखता है तो आपको चॉइस करना है जो आपका बजट है जो आपको फैसिलिटीज चाहिए जिस सुकून के साथ आपको ड्यू में रहना है जितना पास कॉलेज के रहना है ये सब इन सब ही क्राइटेरिया पे कॉस्ट डिटरमाइन होती है जितना ज्यादा दूर होगा कॉलेज से उतना ज्यादा प्राइस जो है वो कम ही होगी ऑब्वियस है क्योंकि फिर उनको भी पता है कि हम ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते तो ये कुछ क्राइटेरिया है बाकी साउथ कैंपस में एज ऑफ न हॉस्टल नहीं है तो आपको पीजी में ही रहना पड़ेगा और अगर हम बात करें कि बेस्ट क्या रहता है अगर आप कोई कॉलेज में नए आ रहे हैं तो यू नो अदर स्टेट से आ रहे हैं तो बेस्ट क्या है तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो है वो हॉस्टल ही है एज ऑफ नाउ क्योंकि यू you नो know, एक सिक्योरिटी रहती है एक सेफ्टी रहती है चाहे बहुत सारे कॉलेजेस में है ना आठ साढ़े आठ नौ बजे गेट्स क्लोज कर देते हैं उसके बाद अलाउ नहीं करते बाहर जाना अलाउ करते हैं तो वो आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है घर पे कॉल जाता है ये सब रहता है विच इज नाइस अटेंडेंस होती है तो एक अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है और वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है जैसे कि फीस जो है ना कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है वैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी कॉलेज पे डिपेंड करता है जैसे मैं अपना बताऊं ना तो मिरांडा कॉलेज का ऐसा है कि आप वहां पे पूरी पूरी रात जो है ना बाहर रह सकते हैं घूम सकते हैं और ज्यादा कोई इशू नहीं आता तो फ्रीडम है जो मेरांडियंस को मिलती है बट बाकी कॉलेजेस में इतना नहीं है और मेरांडा की फिर फीस भी ज्यादा होती है आईपीसीडब्ल्यू जो अगेन नॉर्थ कैंपस में उसकी फीस भी ज्यादा होती है तो अगेन जितना ज्यादा ब्रांड वैल्यू है कॉलेज का उतना ज्यादा फीस रहता है एंड दैट्स ऑब्वियस बट अगेन अब सीट मिलना भी बड़ी बात होती है क्योंकि हर कोर्स का रेस्ट्रिक्शन रहता है रिजर्वेशन तो आ गया उसके साथ हर कोर्स की एक पर्टिकुलर सीट है आई I मीन mean, अगर आप मेराडा में तो पॉलिटिकल साइंस की सिर्फ दो या चार सीट्स होती है जो आपको हॉस्टल में मिलती है मैं जस्ट एक नंबर बोल रहा हूँ रियालिटी ऊपर पाँच छह ज्यादा सीट्स नहीं रहती है तो वो भी एक क्राइटेरिया है कि आप दो चार बच्चे हैं जो पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं उनमें से भी आपका स्कोर अच्छा फिर आप दूर से भी आना चाहिए तो बहुत मुश्किल है हॉस्टल मिलना बट अगेन हॉस्टल लाइफ इज बेस्ट लाइफ आई बिलीव यू नो एक पीस ऑफ माइंड खाना टाइम पे अच्छा खाना मिलता है मोस्टली तो वैसे किसी को मेस का खाना पसंद नहीं आता है क्योंकि होता भी नहीं है बट एक पीस ऑफ माइंड है जो मुझे लगता है तो रहता है वो हॉस्टल्स के अंदर तो अब जब आप नए नए आते हैं तो हॉस्टल को ही एम बनाइए और ये तो मैंने डी के हॉस्टल के बारे में बात करी है प्राइवेट भी बहुत सारे हॉस्टल हैं जो यू नो नॉर्थ कैंपस में भी और साउथ कैंपस में भी है और यू नो अफोर्डेबल तो नहीं कहूंगा बट अच्छी रेट्स में आपको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो आप बिल्कुल है ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं पीजीज इन साउथ कैंपस आपको खूब मिल जाएगा ऐसे मैं डेडिकेटेड वीडियो पे नहीं ला सकता ये अच्छा है ये बुरा है क्योंकि आई पर्सनली डोंट नो मैं अगर बता दूं ये बेस्ट है क्योंकि मुझे किसी ने कहा या मैं किसी से कमीशन लेके कह दूँ कि हाँ ये बेस्ट है तो दैट वुड बी अनफेयर मेरे पास आते हैं लोग डील्स आती है बट आई कैंट यू नो जस्ट से एनीथिंग अबाउट विदाउट नोइंग वट द रियालिटीज तो रियालिटी के लिए आपको दिल्ली दो पांच दिन पहले आना पड़ेगा अगर पीजी में रहना है और चेक करना पड़ेगा हाँ भाई इनका जो ऑनलाइन है वो सही है नहीं है गूगल रिव्यूज पिक्चर्स पिक्चर्स पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहना रिव्यूज भी कई बार टेम्पर्ड होते हैं कोई खुद से ही अपने घर वालों से डलवा देते हैं फाइव स्टार एंड देन कुछ भी हो जाता है तो गूगल रिव्यूज सेकेंडरी है पर पिक्चर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन डिस्टेंस और ये सब चीजें हैं और बाकी तो ऑफलाइन आप खुद जाके देखिए कि भाई ओनर कैसा बिहेव कर रहा है आपको जो रूममेट मिलेगा वो कैसा है डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग रूम की कंडीशन बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो दो पांच दिन पहले आना अगर आपके कोई रिलेटिव नहीं है हॉस्टल में रहो हॉस्टल नहीं सॉरी एक होटल में रहो ठीक है तो आपको हॉस्टल रहना है पीजी रहना है फ्लैट लेना है फर्स्ट ईयर में फ्लैट मत लेना क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है तो जो फ्लैट की माता फोड़ी होती है यू you नो know, बहुत दिमाग लगता है वो अभी मत लेना तो फ्लैट को ऑप्शन में मत रखो या तो हॉस्टल या पीजी मिल जाते हैं जो कॉस्टिंग है वो सबकी सेम है तो ये मत सोचना अरे पीजी ज्यादा महंगा आ रहा है या हॉस्टल ज्यादा महंगा आ रहा है सब एक ही तरह से रहते हैं आखिर में सेकेंड ईयर तक जब तक आओगे अपने आप पता चल जाएगा कि भाई ये बेस्ट है मेरे लिए तो आप अपने आप उस हिसाब से फिर एक ट्रांसफर कर सकते हैं अपने आप को इधर जाना है उधर जाना है मोस्टली हॉस्टल बेस्ट रहता है एक पीस ऑफ माइंड है कॉलेज के एकदम पास में है या उसी के अंदर होता है वैसे तो हॉस्टल के अंदर हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही होता है नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम्स तो एकदम है ना ऐसे सुबह उठते ही जल्दी से क्लास अटेंड कर सकते हो आठ बजे वाली हो या नौ बजे वाली हो बहुत सारे पर्स है कोई भी आपको यू नो हॉस्टल में रहने का एक और पर्स है कुछ भी कॉलेज में इवेंट हो रहा होता है ना तो आपको लोग फिर ज्यादा प्रायोरिटी देते दे हैं कि हाँ ये बच्चा तो टाइम पे आएगा क्योंकि यही रहता है तो वो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है हॉस्टल लाइफ में फेवरेट बन जाते हो एंड टीचर के फेवरेट बनना डेफिनेटली एक एडवांटेज है चाहे फिर वो टीचर्स आपको कितना अच्छे से वो ट्रीट करते हैं मार्क्स देते हैं या कुछ आपको इंटर्नशिप करनी है रिसर्च वर्क करना है तो मदद करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हॉस्टल या कॉलेज के आसपास रहने वाले लोग जो है बेनिफिट उठा सकते हैं उठाना चाहिए भी

आई होप अब तो आपका पीसफुल फेस जो है शुरू होने वाला है अपने इंस्टाग्राम लिंकडिन के आगे डी यू ट्वेंटी सेवन लगाना स्टार्ट कर दीजिए और यस ऑल द बेस्ट बुब बाय टेक केयर जय हिंद राधे राधे